सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू साइबर गेमिंग। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं जो आपको एक ऐसा आइटम देने जा रहा हूँ जिससे जो अगर आप माइनक्राफ्ट डर्ट ब्लॉक को अगर आप तोड़ते हो उससे जो है आपको ओपी ओपी आइटम्स मिलेंगे, जैसे कि डायमंड का हेलमेट हो गया, डायमंड की सॉर्ड हो गई, रेडराइट आर्मर हो गया, नेदराइट की सॉर्ड वगैरह सब कुछ जो है आपको ओपी ओपी आइटम्स जो है वो मिलने वाले सिर्फ एक डर्ट ब्लॉक को तोड़ने पर। अगर आपको भी ये वाला आइटम चाहिए तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे वालों जो है डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो इस वाले को अपने मन का पोजीशन में। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो मेरी वीडियो दे रहे हो उसका कमेंट बॉक्स जो है वो आपने ओपन कर लेना है। जैसे कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो आपको एक फाइल की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है एंड जिस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जैसे फाइल डाउनलोड होती है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो यहाँ पर एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है जिसका नाम है जेड अचीवर। एंड ये जो जेड अचीवर एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड कर लेते हो यहाँ पर जो आपको इसको करना है ओपन, तो यहाँ पर जो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर जो आपने उस वाले फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपने वो फाइल रखी हुई, मैंने यहाँ पर रखी हुई है माइनक्राफ्ट बट डर्ट ड्रॉप ओपी आइटम्स वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर देखो इस वाले फोल्डर में चला जाता हूँ। जैसे इस फोल्डर में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट बट ड्रॉप ओपी आइटम्स डॉट जिप, मतलब ये जिप फाइल जो है ये आपको डाउनलोड कर ले मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में से। जैसे डाउनलोड कर लेते हो तो यहाँ पर जो आपको जेड अचीवर में है इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास एक फाइल आ जाएगी, इसको जो यहाँ पर आपने कॉपी अगर आप जो चाहे कर सकते हो, मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड जैसे कट करोगे तो यहाँ पर आपने जाना डिवाइस मैनेजर में, एंड्रॉइड में डाटा में, डाटा में जाने के बाद यहाँ पर जो आपने चल जाना है कॉम्डो मोजे वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर जो मैं चल देता हूँ कॉम्डो मोजे वाले फोल्डर में। जैसे कॉम्डो मोजे वाले फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पर मैं जाऊंगा फाइल्स में, गेम्स में, कॉम्डो मोजे में। कॉम्डो मोजे में जाने के बाद यहाँ पर जो मैं ब्यूअर पैक में जाऊंगा, एंड ब्यूअर पैक्स वाले फोल्डर में जाने के बाद ब्यूअर पैक्स वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर जो मैं जो नीचे आइकन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। जैसे पेस्ट हो जाता है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो यहाँ पर बैक करा है यहाँ पर जो अपने मनका को जो है यहाँ पर ओपन कर देना है। तो यहाँ पर जो मैं माइनक्राफ्ट को ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस हमारा माइनक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। सो गाइस ये लोड जाए फिर मैं आपको आगे प्रोसेस बता देता हूँ। सो गाइस हमारा माइनक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। जैसे लोड होता है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो है यहाँ पर सिंपल से प्ले पर क्लिक करना है। सो गाइस जैसे ही आप जो है यहाँ पर प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने न्यू वर्ड जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर जो मैं न्यू वर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जो आपने सबसे पहले वर्ड का नाम लिख लेना है अगर आप लिखना चाहते हो तो, एंड जिसे लिख लेते हो तो यहाँ पर जो आपने क्रिएटिव सिलेक्ट नहीं करना है, आपने जो है यहाँ पर सर्वाइवल ही रहने देना है क्योंकि सर्वाइवल में होंगे तब आप डर्ट ब्लॉक को तोड़ सकते हो, तभी ओपी आइटम जो है आपको मिलते रहे। एंड यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ब्यूअर पैक में आना है। ब्यूअर पैक में आने के बाद ये वाला जो एड ऑन है जो यहाँ पर आपने ब्यूअर पैक में जो यहाँ पर एक्टिव कर देना है। सो गाइस जैसे एक्टिव कर लेते हो तो यहाँ पर जो आपने वर्ड को जो यहाँ पर क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड को क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ पर जो हमारा वर्ड वो यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस ये लोड हो जाए फिर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सो गाइस हमारा वर्ल्ड जो यहाँ पर लोड हो चुका है, जैसे लोड हो जाए तो यहाँ पर देखो भाई मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं देखो कितनी अच्छी जगह पर रिस्पॉन हूँ जहाँ पर दूर दूर तक डर्ट का नाम हो निशान भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो एक डेजर्ट में स्पॉन हुआ हूँ जहाँ पर एक डर्ट भी नहीं है। मैं कैसे आपको दिखाऊं यार फिर से डर्ट ढूंढनी पड़ेगी एंड आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलो भाई डर्ट ढूंढते हैं एंड मैं हूँ भी सर्वाइवल में तो मुझे शायद क्रिएटिव में जाके डर्ट ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं डर्ट ढूंढ लेता हूँ एंड फिर जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एड ऑन जो वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप जो एक डर्ट को तोड़ के ओपी ओपी आइटम जो है वो कैसे ले सकते हो। चलो भाई मैं जो यहाँ पर डर्ट जो है वो यहाँ पर खोज लेता हूँ। सो गाइस फाइनली अब जाकर जो है मुझे ये डर्ट ब्लॉक देखे। यहाँ पर थोड़े से ग्रास ब्लॉक थे जहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये एडन जो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर देखो अगर जो मैं इस डर्ट ब्लॉक को तोड़ता हूँ तो इससे जो है मुझे अभी शूज मिले वो भी डायमंड के एंड एंचेंटमेंट अनलॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंचेंटमेंट सारी लगी हुई है। एंड यहाँ पर देखो मैंने बूट्स को पहन दिया एंड फिर से दूसरा ब्लॉक तोड़ा तो यहाँ पर देखो मुझे पूरे के पूरा एक स्टैक जो है आयरन ब्लॉक के मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर देखो कितने सारे टूल्स भी जो है मुझे अभी मिल चुके हैं। टीएनटी मिले, डायमंड ब्लॉक मिले एंड गोल्ड ब्लॉक भी मिले, पूरे के पूरे एक एक स्टैक यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा उपयोगी चीजें हैं जो कि अभी मिलती जा रही हैं। एंड ये जो चीजें हैं ये आप सराय मिले तो भी नहीं मिल सकती, इसलिए भाई इस एडन को जरूर से एक बार ट्राई करना है, मुझे बताना कि ये वाला एडन जो है वो आपको कैसा। एंड गाइस आपको आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जाकर जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर फिर जाना। मैं मिलता हूँ मनक्राफ्ट की ऐसी मदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।